हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत और नुसरत के जहां में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूं। ये वीडियो जो कि मोस्ट ऑफ लेडीज़ को इसकी प्रॉब्लम रहती है और जेंट्स लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करें, ये टिप्स आप लोग के साथ शेयर करें जो कि घरेलू नुस्खे से आप इसका छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूँ कि कैसे पाएँ आप काली गर्दन से जल्द छुटकारा। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बैक में या किसी किसी को फ्रंट पे भी काली गर्दन की, यानी कि एक ऐसा लगता है मैल जमा हुआ है, पर वो मैल नहीं होता है, वो एक तरह का लेयर होता है जो कि जम जाता है। तो उससे कैसे छुटकारा पाना है तो आपको बता दें। जैसे कि आज के टाइम में अधिकतर लोग काली गर्दन की समस्याओं का सामना करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। इसी कारणवश गर्दन में मैल जमता जाता है और फेस की तरह गर्दन भी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल निभाती है। अगर फेस गोरा हो और गर्दन काली होगी तो शरीर की ब्यूटी समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर आपका फेस गोरा हो और गर्दन काली हो तो एक तरीके से वो पूरी फुल ब्यूटी नज़र नहीं आती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि गर्दन के कालेपन से छुटकारा पाने के कुछ नुस्खे। तो आइए यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या करना है आपको। जैसे कि काली गर्दन से निजात पाने के लिए बेसन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है करना। आपको क्या करना है कि एक बाउल में 10 चम्मच बेसन और एक चम्मच दही मिक्स कर लेना है। फिर इस मिक्सचर को आधे घंटे तक अपनी गर्दन पर लगाकर छोड़ दें और फिर इसको सूखने पर गर्दन को गुनगुने पानी से वॉश कर लें। ऐसा आपको रोज़ाना करने से गर्दन का कालापन जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। और अब आपको इसका सेकेंड जो स्टेप है वो बता दूँ कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो उसका सेकंड टिप्स है कि मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल, यानी कि एक पेस्ट तैयार कर ले जिसमें एक चम्मच चंदन पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, एक चम्मच दूध डालें, अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसे अपनी गर्दन पर करीब 15 मिनट तक अप्लाई करें। ऐसा करने से गर्दन का कालापन एकदम से चला जाएगा। फिर अगर आपको ये नहीं करना है, इसे भी ईजी चाहिए, तो है आलू का यूज। 2 कच्चे आलू का रस आपको अपनी गर्दन पर अप्लाई करना है, इसे करीब 15 मिनट तक लगाकर रखना है। फिर पानी से, यानी कि नॉर्मल पानी से आपको इसको वॉश कर लेना है। ऐसा करने से भी आपके जो गर्दन का कालापन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और इसका जो अगला टिप्स है, यानी कि अगला, अगर आपको ये भी नहीं करना है आलू वाला, अगर आपको खीरा है आपके घर में तो खीरे का रस से कैसे करें। तो आपको बता दें कि अगर आपकी गर्दन पर कालेपन से छुटकारा पाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो खीरे के रस को गर्दन पर अप्लाई करें। इसमें कुछ मात्रा गुलाब जल का भी डाल दें। फिर करीब आधा घंटे तक यूं ही छोड़ दें, यानी कि उसमें खीरे को मैं बोलूँ कद्दूकश कर लें, उसमें गुलाब जल डालें 1-2 टेबलस्पून, फिर उसको बाद में अपने गर्दन पर लगा लें और कम से कम उसको आधे घंटे तक लगा हुआ छोड़ दें और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल वाटर से अपने गर्दन को वॉश कर लें। तो इससे भी आपकी गर्दन का कालापन दूर हो जाएगा। फिर इसके बाद है, अगर आपको ये भी नहीं करना है तो एक और है सुझाव कि कच्चे दूध का यूज़ करना है। कैसे कि कच्चे दूध को काली गर्दन पर रात में सोने से पहले लगाएं, फिर सुबह अपनी गर्दन को वॉश कर लें, यानी कि होल नाइट इसको लगा रहने दें। जब वो ड्राई हो जाए तो आप सो जाएं, फिर सुबह अपनी गर्दन को वॉश कर लें। तो ये भी आपके काली गर्दन से छुटकारा देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर है, आपको बता दें उपटन को कैसे तैयार करना है, गर्दन के ब्लैकनेस को हटाना है कैसे। तो आपको क्या करना, दही और बेसन का उपटन अप्लाई करना है। जैसे कि गर्दन के कालेपन से निजात पाने के लिए दही और बेसन का उपटन गर्दन पर लगाएं, यानी कि दही और बेसन दोनों मिलाकर उसका उपटन तैयार कर लें और उसको अपनी गर्दन पर हल्के हाथों से कम 5 मिनट तक मसाज करें। फिर इसे तैयार करने के लिए इसमें 2 चम्मच बेसन, इसको मतलब 2 चम्मच, आपको बता दें इसमें क्या क्या लेना है। जैसे कि 2 चम्मच बेसन लेना है, फिर चुटकी भर इसमें हल्दी डालना है और 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको इसमें दही डालना है। फिर इसे अपनी गर्दन पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपकी गर्दन एकदम से ब्यूटीफुल दिखेगी, बहुत ही अच्छी दिखेगी। जैसे आपका फेस रहेगा उसी तरीके से आपकी गर्दन पर भी मतलब कलर दिखने लगेगा। सो गाइस, ये था हमारा बहुत ही ईजी और बहुत ही इंस्टेंटली वर्क करने वाला, जो कि आगे ईजिली अगर आपके गर्दन पर इस तरीके का किसी भी तरीके का मार्क हो, जैसे कि मैंने बताया कि कालेपन का मार्क हो, तो आप उसको घर पर ईजिली इसी तरीके से करने पर रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और इसे शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूले, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। तो फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।